अद्भुत, ऐसा चमत्कार तो जीवन में पहली बार देखा है। सच, ये बालक तो दिव्य है। नहीं नहीं, कदाचित कोई मायावी है ये बालक। असाधारण है ये कृष्ण, कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। काना, ये सब क्या कह रहे हैं? अब इन सब का क्या उत्तर दोगे तुम? कैसे छुपाओगे इस बात को? कुछ कहो। क्या उपहास करते हो आप सब भी ना? कुछ भी सोच रहे हैं आप? अरे ये सब मेरे बस की बात थोड़ी है। ये सब किसने किया है आपको ज्ञात भी है? ये किया है स्वयं महाराज कंस ने। अरे वही तो महान है, वही तो ये सब कर सकते हैं। हम सब कहाँ कर सकते हैं ये सब? इतने महान है आप जानते हैं, केवल इसके लिए उन्होंने इंद्रदेव का आवाहन किया ताकि आप सबका मनोरंजन हो जाए। उन्हें ज्ञात था ना कि इतने सारे लोग आने वाले हैं? हाँ, उन्हें सब ज्ञात होता है। वो जानते हैं कि 108 गांव के लोग यहाँ पे आने वाले हैं, इसलिए महाराज कंस ने ये सब किया है। अरे आप हो कि मैं साधारण सा ग्वाला हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, कि तो हमें तो ऐसा नहीं लगता कि ये महाराज कंस की इच्छा है। हाँ हाँ, हमने भी सुना है कि महाराज इस हाट के विरुद्ध हैं। यशोदा मैया, राधा, छुटकी, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों है? माँ दुर्गा की पूजा के लिए नवीन पुष्प नहीं है, ये पूजा असंभव है। चमत्कार महाराज कंस का नहीं, ये कृष्ण का किया हुआ अपशकुन है। देखिए, इसलिए गांव से पुष्प लुप्त हो गए और माँ दुर्गा की पूजा में विघ्न आया। बोलो कृष्ण, इसका क्या उत्तर है तुम्हारे पास? अरे ऐसा नहीं कि बरसाना में पुष्पों की कमी है। महाराज कंस ने बरसाना वासियों के लिए एक विशेष उपहार भेजा है। क्या व्यर्थ बातें कर रहे हो? अबे और बातें करूंगा तो कहोगे व्यर्थ की बातें कर रहा हूँ, तो चलो आप सबको दिखाई देता हूँ। अरे बड़े भैया चलो। आइए आइए सभी आइए। ये सरोवर जिसे संसार कुसुम सरोवर के नाम से जानेगा। आज से मैं तुम्हें कुसुम भी बुलाऊंगा राधा। अब मैं समझी कि कल तुम मुझे कुसुम कुसुम कहकर क्यों पुकार रहे थे। अद्भुत, ये तो अत्यंत सुंदर सरोवर है। हाँ, इससे अधिक सुंदर तो कुछ है ही नहीं। सत्य वचन। हाँ हाँ, देखो सब, महाराज कंस ने विश्वकर्मा को बुलाकर रातों रात ये कुसुम सरोवर बनवाया है। किसके लिए बनवाया? आप सबके लिए बनवाया, अतिथियों के लिए बनवाया, ताकि जब आप सब आए तो आप सबको शुद्ध जल मिल सके, ताकि जब माँ दुर्गा की पूजा हो तो फूलों की कमी ना हो। अरे आप पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। ये दिव्य बालक है, मनुष्य नहीं है, नारायण का अवतार है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। मैं साधारण सा ग्वाला ये कार्य कर सकता हूँ? कदापि नहीं।
ये काम तो महाराज कंस का ही हो सकता है। तो और यदि महाराज कंस चाहते हैं कि हम यहाँ आएं, तो हम क्या सारे 108 गांव के लोग यहाँ आएंगे और हम सब मिलकर इस हाट को अधिक से अधिक सफल बनाएंगे। ये बात तो बोलो महाराज कंस की जय। क्षण प्रतिशन मेरा मन अधीर हो रहा है कि कृष्ण है कौन। मुझे शीघ्र अति शीघ्र उसकी सातवीं कहानी सुननी होगी। कृष्ण को जानना ही होगा। ये सरोवर स्वयं महाराज कंस ने बनवाया। यदि ऐसा है तो सभी स्त्रियों के साथ मिलकर हमें काम करना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं ब्रजभान काका? मैं तो कहता हूं कि हमें अभी इसी क्षण इस कृष्ण को कंस के पास भेज देना चाहिए। अयन, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्षमा करें किंतु मुझे भी इस कृष्ण की बात पर विश्वास नहीं, इसलिए मैं स्वयं महाराज कंस से सुनिश्चित करके आता हूं कि क्या वास्तव में उन्होंने ये कार्य किया है। आप सभी ध्यान से सुन लीजिए, मेरे लौटने तक कोई भी इस कृष्ण की बात में मत आना। सभी यथास्थिति में रहेंगे अन्यथा महाराज कंस का कोप आठों दिशाओं से बरसेगा और तुम अपना जीवन बचाने के लिए कहीं भी नहीं जा पाओगे। चलो सैनिकों, ये स्मरण रखिए कि आज सप्तमी है। काल रात्रि देवी की रात्रि, उनकी पूजा तो होनी चाहिए। क्यों? अयन, तुम्हें मेरी अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित करना है कि ये स्त्री और पुरुष इसी प्रकार एक दूसरे के विरुद्ध रहे। आप चिंता मत कीजिए, मैं यहां सब कुछ संभाल लूंगा। आशा है कि पुरुष स्त्रियों की भांति मूर्खता ना करें, अन्यथा महाराज कंस व्यर्थी बरसाना वासियों का भी अंत कर देंगे। तुम्हारा मन शुद्ध है किंतु मार्ग अनुचित है अक्रूर। भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। कृष्ण, क्यों तुम मुझे मेरे धर्म और कर्तव्य के मार्ग से दूर करके अपने मार्ग की ओर लाने को आतुर हो? नहीं अक्रूर, मैं आपको अपने मार्ग पर नहीं पुण्य के मार्ग पर ले जाने के लिए आतुर हूं। मैं आपको कर्तव्य से दूर नहीं, कर्तव्य के समीप ले जा रहा हूं। इतना तो मैं भी समझ चुका हूं कि तुम कोई साधारण बालक नहीं, दिव्य। संभवतः तुम ही महाराज कंस के काल भी हो। मेरी दिव्यता का आभास तुम्हें हो गया। मैं कंस का काल हूं ये तुम समझ चुके हो, किंतु मेरा एक और सत्य है जो तुम्हारे लिए जान अनिवार्य है अक्रूर, और वो ये कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। मेरा मार्ग मथुरा की ओर है, तुम्हारी दिशा के विपरीत जहां मैं इस समय जा रहा हूं। महाराज कंस की सेवा का वचन मैं कदापि नहीं तोड़ूंगा, यही मेरा धर्म है और यही मेरा कर्तव्य भी।
परिवर्तन की हवा। ये दर्शाती है कि सब कुछ सदा सदा के लिए बदलने वाला है, किंतु मेरा इस बरसाना की वायु से संबंध ये अनंत तक होगा, क्योंकि इस वायु में राधा की सुगंध है।